नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी पी आकाश ब्लॉग में। दोस्तों आज एक न्यू नोटिफिकेशन निकला है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का। यह है कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर दिनांक 29 अक्टूबर 2021 आज का ये नोटिस है। अभी थोड़ी देर पहले रिलीज हुआ है। तो इसमें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज निकली हैं, काफ़ी सारी वैकेंसी है दोस्तों। इसमें कांस्टेबल सामान्य, चालक व पुलिस दूरसंचार अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा ऑफलाइन प्रक्रिया OMR माह दिसंबर 2021 जनवरी 2022। तो इसमें कांस्टेबल जो सामान्य होते हैं, GD वाले, ड्राइवर और दूरसंचार यानी टेलीकॉम वाले जो होते हैं, उनके लिए कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है, जिसका जो पेपर है OMR वेस्ट होगा या तो दिसंबर माह में या जनवरी में 2022 में, न्यू ईयर नई साल जब आ जाएगा। तो अभी मतलब ये जो वैकेंसी है 10 नवंबर से ऑनलाइन स्टार्ट होगी, एक महीने तक इसके आवेदन चलेंगे और आवेदन जो करने की प्रक्रिया है वो आपको यहाँ दी गई है। भर्ती हेतु आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे, ऑनलाइन होगी, SSO ID उपलब्ध होना चाहिए। आवेदक नहीं है तो राजस्थान की जो गवर्नमेंट साइड है SSO पर ID बना सकता है, जिससे वो फॉर्म फिल करेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के संबंध में किसी भी तरह की अगर जानकारी लेनी है तो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये दो नंबर दिए गए 9352-32625, इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये जो नोटिस है ये PDF के बतौर है, आप इसे स्किप करके मतलब पॉज करके इसे देख सकते हैं, सारा डिटेल्स पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ। इसमें जो भी कंडीशंस होती हैं वो दी गई हैं और जो परीक्षा शुल्क है वो यहाँ पे दिया गया है। परीक्षा शुल्क में दिया गया है सामान्य वर्ग राजस्थान की क्रीमी लेयर श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग और SMB जो वर्ग के आवेदन है उनके लिए 500 रुपये, और जो अनुसूचित में आते हैं, जो अनुसूचित में कौन से आएंगे, जो राजस्थान राज्य के ही हैं, तो उनके लिए 400। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, जो अदर स्टेट वाले भरना चाहते हैं जो राजस्थान से अलग हैं वो जनरल में काउंट होंगे यहाँ पे सामान्य वर्ग में, तो उनके लिए जो फीस होगी वो 500 रुपये ही होगी। और लिखित परीक्षा जो प्रवेश पत्र है यहाँ पे दिया गया है, ये ऑनलाइन जारी किए जाएंगे, डाक से नहीं भेजा जाएगा, फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे तो जो एडमिट कार्ड है वो भी ऑनलाइन ही निकलेंगे। भर्ती हेतु जो रिक्त पद हैं ये आप यहाँ देख सकते हैं, सारा डिटेल कांस्टेबल चालक बैंड के रिक्त पदों के अनुसार जो भी है आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे जो है जिले वाइज कहाँ पे कौन से जिले में कितनी सीटें, सारा डिटेल दिया गया है। ये रहा कांस्टेबल दूरसंचार सामान्य क्षेत्र का जिला वाइज, और जो कांस्टेबल चालक हैं सामान्य क्षेत्र के उनको जिला और यूनिट के नाम से कहाँ कहाँ कितनी कितनी वैकेंसी हैं सारा डिटेल दिया गया है। ये सारा आप पढ़ सकते हैं, सारे स्टेट के लिए अलग अलग है। और ये बात आती है यहाँ पे आरक्षण की, तो महिलाओं के लिए अलग आरक्षण है और जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं एक्स सर्विसमैन उनके लिए अलग होता है। तो ये देख सकते हैं आप सारा कुछ, सारा डिटेल्स यहाँ दिया गया है। कांस्टेबल ड्राइवर के बारे में काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, और कांस्टेबल चालक होगा इसमें यानी ड्राइवर, कांस्टेबल नॉर्मल वाले जो होते हैं आरक्षक, और टेलीकॉम यानी कम्युनिकेशन वाले। तो इसमें डिटेल्स दी गई है शारीरिक मापदंड की, शारीरिक मापदंड है न्यूनतम जो ऊंचाई है, कम से कम जो हाइट होती है वो 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुष की, और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर, और जो न्यूनतम सीना है पुरुषों के लिए वो 81 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए, और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और महिलाओं के लिए इसमें वजन दिया गया है ये 47.5 किलोग्राम, पुरुषों के लिए ये लागू नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, आवेदक जो चालकों के पद हैं वहाँ पे ये अलग अलग डेट दी गई हैं, यहाँ से क्या है 1/1/2004 से पहले का जन्म हुआ होना चाहिए और 2/1/95 के बाद का, तो ये अलग अलग डिटेल्स हैं। यहाँ पे 95 भी है जो सामान्य वाले हैं, और अलग जिनके पास कोटा था है उसके लिए 90 है, और अलग वाले मतलब ये जो है कर्मचारी जो हैं या मृत आश्रित हैं उनके लिए 1992, और जो भूतपूर्व सैनिक है उनका 79 इसके बाद का जन्मा होना चाहिए। और आगे दे रखा है नोट में, यदि सामान्य क्षेत्र के लिए उपयुक्त वर्णित शारीरिक मापदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी नहीं होते हैं तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5% की छूट दे होती है। वो अपना स्टेट का हिसाब होता है किस स्टेट को कितनी छूट दी गई होती है, सारा कुछ दिया गया होता है। भर्ती के लिए जो चयन प्रक्रिया है यहाँ पे
पेपर के बारे में दिए गए, लिखित परीक्षा है। कांस्टेबल सामान्य जो टेलीकॉम वाले हैं उनका जो 150 नंबर का पेपर है, और जो कांस्टेबल चालक है उनका भी, और बैंड वाले में ये लागू नहीं होता। ये शारीरिक दक्षता के भी नंबर मिलेंगे इसमें, कांस्टेबल को 30 और चालक वाले को 20, बैंड वाले में भी 20। विशेष योग्यता जैसे NCC हो गया, होमगार्ड हो गए, राजस्थान के या राज्य से संबंधित विशेष डिप्लोमा उपलब्धि प्राप्त है, तो उनके लिए भी सिर्फ कांस्टेबल सामान्य और दूर संचार वाला जो है उन्हें 20 नंबर मिलेंगे, ड्राइवर में या बैंड वाले में उन्हें कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। टोटल जो आपका योग बनता है ये 200 नंबर का बनता है कांस्टेबल दूर संचार का, और ये जो है कांस्टेबल चालक इसका भी 200 नंबर का बनता है, बैंड वाले में 50 का। और इसमें यहाँ पे दिया गया है लिखित परीक्षा के बारे में, जो लिखित परीक्षा है दोस्तों वो प्रश्न पत्र जो होगा 150 अंकों का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 150 ही प्रश्न होंगे, और समय अवधि जो होगी वो 2 घंटे होगी, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और इसमें क्या है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। परीक्षा ऑफलाइन होगी, OMR वेस्ड होगी, इसमें ऑनलाइन नहीं होगी। तो पता लग गया होगा 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, 2 घंटे का टाइम, 1.25 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। और यहाँ पे क्या है विषय, ये अलग अलग आप देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है, सारा कुछ इसमें 150 नंबर में पूछा जाएगा। विवेचना तार्किक योग्यता, कंप्यूटर में सामान्य ज्ञान 60 नंबर का, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषयों पर 35 नंबर, 35 अंक, और ये महिलाओं के प्रति जो अपराध संबंधित कानूनी प्रावधान, ये 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की कला, भूगोल, राजनीति, आर्थिक स्थिति, वो 45 नंबर की और 45 क्वेश्चन। तो इस प्रकार आपके 150 क्वेश्चन 150 नंबर के बनते हैं, डिटेल्स में से देख सकते हैं। और यहाँ पे ये नीचे दिया गया है, इस लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 40% जो अंक लाने होंगे, और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लिए जो होगा वो 36% लाना जरूरी होगा। नेक्स्ट में आता है शारीरिक दक्षता, शारीरिक दक्षता के बारे में यहाँ दिया गया है, यूनिट के बारे में टोटल कुछ है। और नेक्स्ट में देते हैं कांस्टेबल सामान्य, दूरसंचार चालक, बैंड, और जो है बैंड पद के आवेदकों के लिए यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। देखो ये क्या है, इसमें 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, और जो समय सीमा होगी कांस्टेबल सामान्य और जो टेलीकॉम वाले यानी दूरसंचार वाले हैं उनको 25 मिनट दिए जाएंगे, और जो महिला होंगी उसमें उनको 35 मिनट दिए जाएंगे, भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट, और ट्राइबल और सप्लान वाले जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 30 मिनट, और अंक होंगे इसके 30। और जो कांस्टेबल चालक है, ड्राइवर और कांस्टेबल बैंडमैन उसके लिए 25 मिनट, महिलाओं के लिए 35 मिनट, भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट, और टोटल यहाँ पे है इनका भी 30 मिनट, और अंक कितने होंगे 20। नोट में नीचे दे रखा है शारीरिक दक्षता में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा, शारीरिक दक्षता के लिए कोई अपील दायर करने का अवसर दे नहीं होगा, ये यहाँ पे साफ साफ दिया गया है। शारीरिक मापतोल नीचे है, ये शारीरिक मापतोल के बारे में यहाँ पे दिया गया, भर्ती बोर्ड शारीरिक दक्षता में सफल अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापतोल की परीक्षा लेगा, जो दक्षता बोर्ड में मतलब शारीरिक दक्षता में सफल होंगे रनिंग वनिंग में उनके लिए बाद में उनकी मापतोल होगी। नेक्स्ट दिया गया है अपील वपील के बारे में और आवेदकों के लिए, यहाँ सारा फुल डिटेल्स दी गई है, ये यहाँ पे नोट में पढ़ सकते हैं इसको। और जो विशेष योग्यता हेतु आवंटित अंक हैं, मतलब जिनके पास NCC वगैरह होता है उनके लिए अलग से जो अंक मिलते हैं, वो रहा जिसके पास सी प्रमाण पत्र होगा NCC का उसको 10 अंक मिलेंगे, जिसके पास बी प्रमाण पत्र होगा उसको 8 अंक मिलेंगे, और जिसके पास ए प्रमाण पत्र होगा NCC का उसको 6 अंक मिलेंगे। और होमगार्ड के भी लिए दिया गया है, अगर होमगार्ड में कंटिन्यू किसी बंदे ने 3 वर्ष तक सेवा दी है तो उसे होमगार्ड के 10 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे, और 2 वर्ष सेवा दिए तो 8 अंक मिलेंगे, और होमगार्ड में निरंतर 1 वर्ष से सेवा कर रहा है तो उसके लिए 6 अंक मिलेंगे। नेक्स्ट में आता है पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी, ये जिसके लिए, इसके लिए भी अंक दिए गए हैं अलग अलग, और सिक्योरिटी मैनेजमेंट 8 अंक, और जो डिप्लोमा प्राप्त है अलग अलग टेलीकॉम वाला या जो भी होगा उसके लिए 6 अंक दिए गए हैं। तो ये सारी चयन सूची है, स्वास्थ्य परीक्षण है, मेडिकल संबंधित प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र, ये जब ज्वाइनिंग के टाइम काम आते हैं, वेरिफिकेशन काफ़ी करानी पड़ती है जो भी है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये काफ़ी बड़ी भर्ती है, विनीता ठाकुर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड राजस्थान जयपुर, आज का ही नोटिस है कुछ ही देर पहले का, आज की इस पर डेट दी गई है
दिनांक 29 अक्टूबर 2021। तो दोस्तों काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, 4438 पदों पे कांस्टेबल पुरुष और कांस्टेबल महिला। तो जो भी दोस्त राजस्थान के लिए काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए एक अच्छा मौका है। तो जितने भी भाई हैं तैयारी करने वाले सब अपने हिसाब से ऑनलाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।